नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत, धर्म आदि से परिचय कराना। भारत के धर्म के अंदर हम लोग कई जो है वह लक्षण देखते हैं, कई जो है परंपराएं देखते हैं, और वो परंपराएं आज जो है वह थोड़ा विस्मृत होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में चर्चाएँ जो है वह करेंगे। विस्मृत होती हुई दिखाई दे, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि आखिर वह क्यों थी, क्या महत्व था। तो धर्म की परंपराओं के अंतर्गत जो है वह हम लोग जो है वह देखते हैं, जैसे पुरुषार्थ देखते हैं, पुरुषार्थ की संकल्पना है, आश्रम व्यवस्था की संकल्पना है, या फिर ऋण की संकल्पना है, जिसमें पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण आदि की चर्चाएँ जो है वह की जाती हैं। इन सब की जो है वह तो इन सब के बारे में अलग अलग हम लोग वीडियो जो है वह बनाएंगे। आज की जो श्रृंखला है वह पुरुषार्थ के ऊपर जो है वह हमने इस पर संकल्पना देखी है, पुरुषार्थ। तो आखिर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि पुरुषार्थ होता क्या है। तो देखिए, पुरुषार्थ जो है वह है क्या, तो एक्चुअल में जो है वह पुरुषार्थ जो है वह क्या है कि मानव का जो जीवन है वो जीवन का लक्ष्य जो है वह बता रहा होता है पुरुषार्थ। तो मानव के लक्ष्य से जो है वह जुड़ा हुआ है, जो एक प्रकार के उद्देश्य को परिलक्षित करता है। यानी हम लोग अगर बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो वह क्या है, मानव का जीवन। जैसे जो है वह एक प्रश्न जो है वह उठता था दर्शन के अंदर कि आखिर मानव क्यों जन्म लिया है और मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसी को बताने के लिए संकल्पना लाई गई पुरुषार्थ कि मानव के जीवन का उद्देश्य, मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो पुरुषार्थ है। अब यहां पुरुषार्थ कोई जो है मेल जेंडर से संदर्भ नहीं है, मेल जेंडर से संदर्भ नहीं है। पुरुषार्थ कैसे है इसको हम लोग आते हैं। तो पुरुषार्थ की प्राप्ति जो है वह से मनुष्य विवेक संपन्न हो जाता है। पुरुषार्थ जो है वह अगर जीवन का लक्ष्य है, तो पुरुषार्थ की अगर कोई प्राप्ति कर ले तो क्या होगा, तो मनुष्य विवेक संपन्न हो गया, और विवेक संपन्न होकर अपनी जो है वह मोक्ष को की ओर जो है वह गतिशील जो है वह हो गया। अब आइए देखिए, जो वेद वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ जो है वह चार पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं। तो चार पुरुषार्थ जो है वह क्या है, तो एक है धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इसमें मोक्ष की संकल्पना पर हम लोग जो है वह एक पृथक जो है वह वीडियो कभी बाद में जो है वह बनाएंगे मोक्ष की संकल्पना पर, और मोक्ष की प्राप्ति का क्या क्या मार्ग हुआ करता था उस पर हम लोग अलग से बनाएंगे। लेकिन देखिए ध्यान से कि चार पुरुषार्थ क्या होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये चार पुरुषार्थ अगर जीवन के लक्ष्य को परिभाषित कर रहे हैं, जीवन के उद्देश्य को बता रहे हैं, तो क्या है। तो धर्म का जो उद्देश्य है वहां पर ये धृ धातु से है, और धृ धातु का मतलब संस्कृत का धृ धातु और अंग्रेजी का धर्मा, इसका मतलब है कि कर्तव्यों का ग्रहण करना, कर्तव्यों का पालन। तो एक मनुष्य का धर्म है क्या, कर्तव्यों का पालन करना। कैसे कर्तव्यों का पालन करना, तो मातृधर्म, पितृधर्म, मानव धर्म, गुरु धर्म, छात्र धर्म, शिक्षक धर्म, ये सब जो है वह क्या है, धर्म है। तो ये जो है वह जीवन का एक लक्ष्य है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जो भी मानव है और वो अलग अलग उनके कर्तव्य हैं, सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तो इससे एक जीवन का लक्ष्य जो है वह प्राप्त होता है। एक जीवन का लक्ष्य है ये। दूसरा है अर्थ। अर्थ का तात्पर्य किससे है, तो अर्थव्यवस्था संचालन से। यानी प्रत्येक मानव को अर्थव्यवस्था के संचालन में भाग लेना चाहिए। तो अब खुद सोचिए कि अगर प्रत्येक मानव अर्थव्यवस्था के संचालन में जो है वह भाग लेगा, तो निश्चित है कि जो है वह किसी भी देश का जो जीडीपी है वह बढ़ने लगेगा, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो है वह मानव जो सक्षम है वह कार्यशील है, वर्किंग पॉपुलेशन में जो है वह आ जाएगा। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएगा तो निश्चित है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो यानी कि इसको जीवन के लक्ष्य से जोड़ा गया कि अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति को अर्थव्यवस्था से जो है वह जुड़ना है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करना है, प्रत्येक व्यक्ति को अर्थव्यवस्था से जुड़ना है। तीसरा जो है पुरुषार्थ कहा गया काम। अब काम का तात्पर्य जो है वह क्या है, वंश वृद्धि से। यानी वंश की वृद्धि होनी चाहिए। वंश की क्यों वृद्धि होनी चाहिए, तो देखिए क्या है कि इस
संसार को चलाए जाने के लिए, इस संसार को चलाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए या सांस्कृतिक मूल्यों के संचालन के लिए, परंपराओं के संचालन के लिए, धर्म के संचालन के लिए, इस पारितंत्र के संचालन के लिए, हर चीज के लिए, भविष्य के लिए जो है वह जनसंख्या चाहिए। और भविष्य की जनसंख्या जो है वह कहां से आ सकती है? तो एक पुरुषार्थ है काम, जो वंश वृद्धि का जो है वह लक्ष्य जो है वह दे रहा है कि हरेक मानव को वंश वृद्धि में भागीदारी जो है वह निभानी चाहिए, और इससे जो है वह यह पुरुषार्थ हासिल करके वह पारितंत्र को, अर्थव्यवस्था को, धर्म को, संस्कृति को, परंपराओं को आगे जो है वह अगली पीढ़ी तक जो है वह पहुंचाने का काम करेगा, और वह अगली पीढ़ी फिर से अगली पीढ़ी, वह अगली पीढ़ी फिर से अगली पीढ़ी को, और इस प्रकार यह निरंतरता से चलती रहेगी। और अगर हजारों वर्ष पहले काम या वंश वृद्धि का कार्य समाप्त हो गया होता तो आज जो है वह मानव सभ्यता होती ही नहीं, आज मानव सभ्यता होती ही नहीं, ठीक है। तो मानव सभ्यता को जीवित रखने के लिए वंश वृद्धि चाहिए। और जो है वह अगला है, लास्ट, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष का तात्पर्य है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। हमारे यहां जो जीवन मरण का चक्र है, जिसमें हम लोगों ने 84 लाख योनि की संकल्पना, यह जो है वह हम लोगों ने एक वीडियो जो है वह डाली है, प्लेलिस्ट में होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो जीवन मरण का चक्र है, ये जीवन मरण का चक्र जो है वह मानव का जीवन जो है वह 84 लाख योनियों के पश्चात होता है, और अगर उससे कोई जो है वह मुक्ति पाना चाहता है तो वह जो है वह मोक्ष है। इसलिए ये चतुर्थ लक्ष्य है, जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म में कर्तव्यों का पालन, अर्थ में अर्थव्यवस्था का संचालन, काम में जो है वह भविष्य के लिए जो है वह पीढ़ियों को तैयार करना, और मोक्ष जो है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति जो है वह पाना। तो ये 4 जो है वह लक्ष्य की चर्चा हमारे वेद ग्रंथ में जो है वह की गई है। अब जो है वह उस काल में, प्राचीन काल में, एक हमारे मनु ऋषि हुए करते थे। जो मनु ऋषि जो है वह क्या है, तो वो हिंदू विधि विधान के बड़े लेखक हैं। उसके बाद वात्सायन, तो ये सब जो है वह, और बहुत सारे हैं, चार्वाक भी हैं। तो ये सब ऋषियों ने जो है वह, देखिए, मनु और वात्सायन ने चारों पुरुषार्थ को जो है वह माना कि चारों पुरुषार्थ होने ही चाहिए जीवन में, और चारों पुरुषार्थ जो है वह रहेगा तभी जो है वह जीवन सफल होगा। लेकिन चार्वाक दर्शन जो है सिर्फ 2 की चर्चा करता है। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? तो अर्थ की और काम की। चार्वाक दर्शन सिर्फ अर्थ और काम की जो है वह चर्चा करता है। और अगर मानव की आश्रम व्यवस्था, जिस पे मैंने कहा कि सेपरेट वीडियो जो है वह मैं बनाकर जो है वह दूंगा, तो उसमें आश्रम व्यवस्था जो है ये उसका और पुरुषार्थ का आपस में गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि आश्रम व्यवस्था में जो 4 आश्रम व्यवस्था है उसमें गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसके पीछे वजह यह है कि उस जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम, यानी जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, उन 4 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य की प्राप्ति जो है वह गृहस्थ जीवन में होती है, और सन्यास जीवन जो है वह क्या है, तो मोक्ष जो है वह का। तो ये आश्रम व्यवस्था में भी जुड़ी हुई जो है वह पुरुषार्थ की संकल्पना आश्रम व्यवस्था से भी जुड़ती है। इस वीडियो में यहीं तक। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।